किसी ने पूछा, ससुर के बुरे ख्यालात हो तो जौजा क्या करे। मेरे दोस्त की बहन को ये खदशा है कि इनके ससुर की नजरें ठीक नहीं हैं और वो उन्हें सही नजरों से नहीं देखते और बहाने बहाने से उन्हें जिस्म को हाथ भी लगाते रहते हैं। उन्हें खदशा है कि कहीं इनका निकाह खतरे में ना आ जाए और वो अपने शोहर से ये शेयर भी नहीं कर सकती। इस बारे में रहनुमाई फरमाई कि उन्हें क्या करना चाहिए। ये किसी साहब ने कराची से पूछा है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा। मसला तो बहरहाल हया के खिलाफ है, लेकिन आज जो कुछ आजकल इंटरनेट पर जिस तरह की बेहूदगी फैलाई जा रही है ना, उससे लोगों में दरिंदगी फैल रही है। तो देखें, बाज़ दफ़ा तो बहू को बिला वजह वहम भी हो जाता है अपने ससुर के बारे में। बाज़ औरतें वहमी होती हैं, वो बिला वजह इल्ज़ामात लगा रही होती हैं पाक दामन मर्दों पे। उनको वैसे ही हर आदमी ऐसा लगता है जैसे मुझे गलत नज़रों से ही देख रहा है। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी ख़वातीन देखी हैं जिनको ये वहम की बीमारी होती है, वो अच्छे अच्छे मर्दों पर तोहमतें लगा रही होती हैं। तो लेकिन बाज़ दफ़ा हकीकत भी होती है, ऐसा नहीं है कि ऐसी सारी ख़वातीन ज़ाहिर है, बहुत सी सही भी होती हैं, वो उनको कोई वहम नहीं होता और मर्दों की नज़रें गलत होती हैं। तो अगर वाकई ससुर की नज़रें गलत हैं, खातून को वहम नहीं है और ससुर जो है ना वो बुरी सोच के हामिल हैं और वो गलत नज़रों से देखते हैं और इन्होंने बताया कि बहू की बॉडी को टच भी कर लेते हैं, तो ऐसी सूरत में बहू पर लाजिम है कि अपने शोहर को बताए कि फौरन मुझे अलग घर लेके दें, मुझे ससुर के साथ नहीं रहना। उसकी वजह ये है कि बहुत से फुकाहा के नज़दीक ससुर और बहू में अगर फिज़िकली कोई रिलेशन सेक्सुअल हो जाए, चाहे वो जिना तक नौबत ना भी आए, तो भी बाज़ सूरतों में, हर सूरत में नहीं, बाज़ सूरतों में ये बहू अपने शोहर पे हमेशा के लिए हराम हो जाती है। वो सूरतें क्या हैं, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो जाए, तो किसी करीबी दारुल इफ्ता से, किसी बड़े मुफ्ती से उस वक्त पूरी सूरत हाल बताकर रिटर्न में फतवा लिया जाए या ज़बानी फतवा लिया जाए। ऐसे उमूमी तौर पर जवाब नहीं दिया जा सकता इन मसाइल का, क्योंकि बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं, क्या हुआ कैसे हुआ, ये तो जाहिर है कोई मुफ्ती पूरे हालात सुनेगा तो वो बताएगा। तो फ़िलहाल आप ये करें, ये जो खातून है अपने शोहर को बताएं कि भाई इस तरह से आपके वालिद की नज़रें ठीक नहीं है और मुझे इस घर से अलग घर लेके दें, अदरवाइज़ वो खातून अपने अब्बा के घर जाके बैठ जाएं, क्योंकि इस तरह अगर जो है ना ये मामला आगे थोड़ा सा बढ़ गया तो मियाँ बीवी के रिश्ते पे फ़र्क पड़ेगा और बीवी अपने शोहर पे हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। इसलिए इसमें एहतियात की ज़रूरत है, इसमें शर्माना नहीं चाहिए और ऐसे जो ससुर हैं उनको भी खुदा के अजाब से डरना चाहिए कि बहू जो है वो बेटियों की तरह होती है। तो आपको अगर अल्लाह ना करे आपके दिमाग में कोई ऐसी जो है ना वो भरी हुई है शहवत, तो अल्लाह ने हलाल रास्ता रखा है, आप एक और निकाह कर लें और जो है वो अदल और इंसाफ करें उसके साथ। लेकिन हकीकत ये है कि जो शहवत परस किस्म के लोग होते हैं बहुओं पे और इस तरह की उनकी नज़रें होती हैं, वो फिर निकाह से भी उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती है। लेकिन फिर भी मैं उनको मशवरा देता हूँ कि आप जायज़ चीज़ की तरफ जाएं, बहू तो हमेशा के लिए हराम है, वो तो बेटियों की तरह है, उस पर बेटी ही की नज़र डाली जा सकती है, कोई और नज़र उस पर नहीं डाली जा सकती। तो लेकिन ये कि बहरहाल ये इस्लाम का एक हुक्म है कि जब वो अल्लाह ने उसको बहू को ससुर की बेटी बना दिया तो बस फिर अब मर्द जो है ना ऐसी औरत से रिलेशन कायम अगर करेगा, देखिए अल्लाह ताला ने कानून ये बनाया है कि एक मर्द जिस औरत से रिलेशन कायम करता है सेक्सुअल रिलेशन, तो उस मर्द का बेटा उस औरत से क़यामत तक कायम नहीं कर सकता। क्योंकि ये बड़ी बेहयाई की बात है ना कि एक ही औरत को एक आदमी इस्तेमाल कर रहा है, उसका बेटा भी उसी से अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा है, तो बेगैरती है। इसलिए इस्लाम ने कहा है कि तभी कुरान में आता है कि तुम्हारी जो बीवियां हैं ना, जब तुम उनसे करीब जाओ तो उन बीवियों की पहले शौहर से अगर कोई बेटी है तो अब तुम क़यामत तक उनसे निकाह नहीं कर सकते। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि जी एक औरत से आपने रिलेशन कायम किया तो बाद में उसकी बेटी से भी कायम कर लिया, तो एक औरत से एक मर्द ने रिलेशन कायम किया उसका बेटा भी कायम कर रहा है, तो बेटे ने चूंकि इस खातून से रिलेशन कायम कर लिया है, अब इसका बाप अगर कायम करेगा तो ये बाप पे तो वैसे ही हराम थी, बेटे पर भी हराम हो जाएगी। तो इसलिए इन मामले में इस्लाम ने बड़ी हसासियत रखी है एक ख़ानदानी निज़ाम को बचाने के लिए, फैमिली सिस्टम को बचाने के लिए, फैमिली सिस्टम को पाकीज़ा बनाने के लिए। इसलिए अगर किसी खातून के साथ ऐसा हो रहा है
तो वो अपने ससुर को अपने करीब ना आने दे। वैसे भी गैरत के खिलाफ है, ससुर बाप की जगह तो होता है, लेकिन ससुर को ये इजाजत नहीं है कि बहू के बॉडी से अपने जिस्म को टच करे, अपने हाथ को टच करे। बल्कि उलमा ने यहाँ तक बयान किया, बस बहू के सर पे आप प्यार करने के लिए हाथ रख सकते हैं, इससे आगे आपको जाने की इजाजत नहीं।